अज का जोड़ा मेमोरेंडम से असि डी सी साहब नोजा टाइम कॉलर किया डी सी साहब सर इंतजार करते जी असर मेमोरेंडम साढ़े सारे जिन्हें भी सारी टीम के अहदेदार थे यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन के और पंजाब पिक्चर मूवमेंट और सारे जाके उन्होंने वो दे आए हैं और अज का जोड़ा साडा रोस धरना से सफल रहा ये तुम सारू सारा धन्यवाद आ और अभी मैं तुम एक गल फिर कहनी चाहूँगा कि अगे तो जेकर कभी भी क्रिश्चना के उत्ते कोई परेशानी आँदी है तो आप हुमा मार के सारे इकट्ठे होना ता कि जो मुसीबतों ताकत ने फांसीवादी ताकत ने एंटी क्रिश्चन फोर्सेस ने उन्होंने रोकया जा सके और उन्होंने मुड़ा पाया जा सके। और एक मैं गल तुम लास्ट में कहनी चाहूँगा कि ये ताकत ने ये पुलिस का नाल लैके साढ़े को आदि ने और पुलिस भी तो प्रोटेक्शन चाहती है और पुलिस उन्होंने प्रोटेक्शन करती है और असी की हाँ साढ़े अवरुद्ध होंगे हैं और मैं तुम्हें कहना असी लोग उन्होंने हाथ जोड़ते हैं इस करके साढ़े उत्ते चढ़ते हैं। अज तो बाद मैं तुम्हें कहना चाहना कि जो आते हैं तो उन्होंने जवाब दो तर्क दो उन्होंने सामने हाथ नहीं जोड़ने उन्होंने सामने मिन्नत नहीं करनी अपनी गल रखनी है उन्होंने सामने डट के खिलोना दिल के गहराइयों तो धन्यवाद करता साढ़े सदे को कबूल किया और सारे इतने हुम हमाके पहुँचे हैं इसलिए थोड़ा सारे का दिल तो धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। और जिमें प्रधान जी ने दसिया कि मेमोरेंडम जोड़ा है और डी सी साहब को दे दिता गया है और जल्द कार्रवाई करने का उन्होंने सू आश्वासन दिता है तो ये अपना अच्छा धरना जरा सी कामयाब होया कि नहीं जी परमेश्वर का भी आप सब का भी धन्यवाद करते हैं और क्रिश्चियन टाइगर फोर्स जी साढ़े रिश्तेदार पहुंची असं उन्होंने भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और थोड़े सारिया के लिए दिल दिया गहराइया तो धन्यवाद करते हैं। साढ़े मसीह चैनल वाले साढ़े भाई जिन्हें जोड़े प्रेस को भी आए उन्होंने भी असी दिल दिया गहराइया तो सारे का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि सारे इंतजाम वास्ते और लंगर जिहड़ा प्रभु के दास पास्टर अजय जी थोड़े सारिया ने बना के लैके आए हैं उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं पास्टर विजय जी होना भी सारे सहयोग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ और खास करके पुलिस प्रशासन के लिए मैं धन्यवाद करना कि जिन्होंने बड़े वधिया तरीके सानू सारे अपने सुरक्षा प्रदान की है इन्हों के लिए भी धन्यवाद करता है। और आइए आप सारिया गलों के लिए प्रभु के को दुआ करिए अखन बंद करेंगे सिर खुदाबंदी अंदूरी में झुकावे प्रार्थना करेंगे। पिता असी प्रभु यस्सू के नाम में एक बार फिर थोड़ा दिल तो धन्यवाद करते हैं अज के इस सारे धर्मे प्रभु तुम कामयाब करने के लिए मदद की सहायता की धन्यवाद करते हैं प्रभु जी असी डी सी साहब के लिए और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए और असी अपने शहर वास्ते और अपने देश वास्ते और देश के सारी मौजूदा सरकारों के लिए प्रभु अभी प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा तेरा अनुग्रह हमेशा बनया रहे और साडा देश हमेशा खुशहाल रहे उन्नत होवे तरक्की वाल वधे और देश को तोड़ने वाली ताकत यीशु तेरे नाम च फेल हो जाए और तेरे पुत्र प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए। खुदावन जी ने तू अपने लोगों के आने में मदद की है यहाँ वापस जाने भी सहायता और मदद करियो अपने अपने घर में पहुँच के तुहाडा धन्नवाद कर सकन और जिन्हें तेरे बच्चों ने इतने ज़्यादा इंतजाम किया और खुदावन जिन्हें तेरे बच्चों ने खाने का इंतजाम किया उन्होंने सारे तू बरकत दे खुदावन का और सब ते तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह तेरी दया बनी रहे आने वाला समा सब के लिए मुबारक होवे जिन्हें लोगों को सताया जा रहा प्रभु तेरे वचन के कारण खुदावन उन्होंने परिवार से तेरी हमेशा कृपा तेरा अनुग्रह तेरी दया बनी रहे खुदावन मस्की समूह वालों और यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन समूह मसी और बल्कि एंग्लिकन चर्च अमृतसर ताकि जो भी पिछले दिनों के मसी लोगों के उत्ते सुख हो रही है चर्चा के और पवित्र भाषा का निर्णय किया गया है असी ये सरकार के ऊपर जो अपील करते हैं सारा भाईचारा इकट्ठे होकर कि चीज़ों
सब तो जल्द रोक लगाई जाए और जी इबादत जो सारे बन गया है वो असी खुल के कर सकिए क्योंकि ये प्रभु की सेवा है और ये सारे आजादी क्योंकि असं एक आजाद देश साडा संविधान जोड़ा है भारत देश का संविधान सू पूरी इजाजत देता है कि असं अपनी धर्म का प्रचार कर सकिए और प्रचार किसी के खिलाफ नहीं है सिर्फ मनुखता अंधेरे के रोशनी के लिया वाला प्रचार है और असी धन्यवाद करते हैं कि अज इस जगह पर इकट्ठे होकर प्रशासन ने साडी मदद की है और समूह कलीसिया और सारी संस्थावान ने मिल के यूनाइटेड पास्टर वेलफेयर एसोसीएशन और हुसैना मिनिस्ट्री पंजाब पंजाबी मिनिस्ट्री और सारी डिनोमिनेशन के इकट्ठे होकर सारे ने रोष प्रदर्शन किया है और मांग की है सरकार अगर कि साड़ी जी सुनवाई की जाए और जो रोज़ ब रोज़ जो मसीह लोगों के उत्ते अत्याचार वादा जा रहा है इन्हों के उत्ते नप पाई जाए असी इन्होंने लफ्जों के नाल सरकार को पूरा सहयोग मांगते हैं कि साड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। धन्यवाद सर। Appeal all of you who are in and out and all the world Christian to pray for the protest which is going to do here in Jalandhar, the heart of Punjab. Why is the protest? Because all the Christian community, pastors, church and also women have been persecuted very badly. They have crossed the borders, entering into the house and demolishing the church properties. And also, only thing we are saying that we are converting the religion. My beloved brothers and sisters, we are here and Article 25 has a free to speech, free to adopt any religion and any faith. We as a body, a United Pastor Association, Senior Lobby, and a House and a Committee and all different organizations here in Jalandhar would like to ask you, please pray for the protest 12th October, 10 o'clock, outside DC office. My prayer is humble. All those who are in Jalandhar, all those who are in Punjab, would like to come. You are most welcome to raise one voice with us to make us know that we are a minority and we will be having freedom to practice and propagate our religion and faith. Thank you so much. God bless you. Remember, 10 o'clock to 2 o'clock, we'll be coming in DC office. Thank you so much. God bless you.